नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। हमारे एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, जो कि संसदीय मामले देखते हैं, अपने सीमा से बाहर जाकर के एक टिप्पणी की कि भारतीय छात्र जो हैं बाहर इसलिए जाते हैं कि उनके पास योग्यता नहीं होती या वो अपने नंबर देश में ठीक से नहीं उनकी मिलते, उन्हें इसलिए बाहर जाना पड़ता है। ये उनकी अपनी अच्छी समझ है, और अगर उनकी समझ ऐसी है तो उनकी नीतियाँ भी कुछ इस तरह की होंगी। उसको हम एक साथ दरकिनार करते हैं। पहले आप छोटी सी बात देखें। देश में आज 25,000 के आसपास बच्चे जाते हैं देश से बाहर मेडिकल शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा सिर्फ मेडिकल ही नहीं है। शिक्षा में उसके बहुत सारे आयाम, बहुत बच्चे जाते हैं बाहर, 1.5 लाख बच्चे साल में जाते हैं बाहर, जिनके पास सुविधा है या साधन है या एक आकांक्षा है। तो अगर आपके पास कुल 50,000 सीटें हैं देश में या 90,000 सीटें देश में हैं, तो अगर 5-6 लाख 10 लाख लोग चाहें डॉक्टर बनना, तो आप सिर्फ 90,000 कोई तो जगह दे पाओगे। तो जो लोग 6-7-8 लाख क्वालिफाई करते हैं, यानी कि इम्तिहान तो पास कर लेते हैं लेकिन सीटें नहीं हैं, उन्हें हम क्यों कहेंगे वो अयोग्य हैं या क्वालिफाइड नहीं हैं? ये कहना कि जिनके नंबर अच्छे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, आप कुछ भी कर लो, चाहे सबके नंबर 100% भी रहें, तो ऊपर से जो नंबर आप लाएंगे वो 50,000 पर कट जाएगा। तो नंबर कितने भी अच्छे हों, अगर आपके पास एक सीमा है सीटों की, तो एक सीट पे आ जाएगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने देखा, उनके यहाँ एक अजीब मुश्किल हो गई कि उनके पास जितनी सीटें थीं उसके दुगने बच्चों के नंबर 100% थे, तब उनको आप कैसे एडमिशन दोगे? तो उनको उनमें हम मानते हैं कि हमारे नेता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में, और नेतागिरी करने के लिए पढ़ाई और समझ की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है कैसे आप तरह तरह के लोगों के साथ बात कर सकते हो, मिल सकते हो, उनसे आप एक रिश्ता बना सकते हो, एक इमोशनल सा भावुकता का रिश्ता बना सकते हो, कैसे बरगला सकते हो, फुसला सकते हो। नेतागिरी के लिए वो सब चाहिए। इसीलिए जो लोग पढ़ते लिखते हैं अच्छा करते हैं, अक्सर ज़्यादातर अपवाद के अलावा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाते। पॉलिटिक्स हमेशा से उनका हिस्सा रहा है, कम से कम तीसरी दुनिया में, और भारत आज भी 95% तीसरी दुनिया का हिस्सा है। 5% उनमें आकांक्षा है, समझ है, पकड़ है, उनको उन्होंने आज की तारीख में ऐसे स्किल अपने कुशलता हासिल की है जिससे कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन बाकी क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो जो वो कुछ भी कह रहे हैं उसमें छोटी सी बात यह है कि जब तक हमारे पास सीटें कम रहेंगी तब तक हमें ये मुश्किल झेलनी पड़ेगी कि कितना भी उनका रैंक हो, लोगों को सोचना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। बाहर कौन जाते हैं? जिनमें एक आकांक्षा है, जिनमें एक ललक है, जिनमें एक भविष्य में कुछ करने की लालसा है, और उसके लिए जीवट भी है। सिर्फ लालसा तो होता नहीं, उसके लिए जीवट भी चाहिए। तो उन लोगों में जो सोचते हैं कि हम अपना एक नया भविष्य बनाएंगे, वो कोशिश करते हैं बाहर जाने की, उनके पास साधन हो, नहीं हो, नहीं होते हैं तो साधन जुगाड़ते हैं वो। अब कम से कम सुविधाएं हो गई हैं कि आप बैंकों से लोन ले सकते हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस तरह की सुविधाओं से हमारे जो तरुण लोग हैं, जो कि हाई स्कूल पास करके जो आगे भविष्य की कल्पना करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, वो सोच सकते हैं बाहर जाने के लिए। ये अच्छी बात है। अगर हमारे सभी छात्र बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए तो वो भी अच्छी बात है। वो सभी तो नहीं, हमारे पास जितनी सीटें उतनी पहले भर जाएंगी तभी बाहर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी सीटें एक क्वालिटी की शिक्षा दे रही हैं कम दाम में, हमारे बच्चे वहीं जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ क्वालिटी की शिक्षा पाने के लिए कहीं भी जाएंगे, कितने भी पैसे उसमें हो, तो वो लोग जाते हैं, आते हैं हार्वर्ड, आते हैं स्टैनफोर्ड, आते हैं। कुछ लोग पैसे दे के आते हैं, ज़्यादातर लोग स्कॉलरशिप से आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग अपने अमेरिका में हर छात्र अपनी फीस एक लोन लेकर के देता है, खुद कमा के देता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, जैसे भी। यानी कि यहाँ जो छात्र हैं उनके लिए पढ़ना, अपने भविष्य बनाने के लिए एक एक रास्ता है। उसके लिए कुछ भी करते हैं जो कर सकते हैं, और उसके लिए उनको नंबर लाने पड़ते हैं, उसके लिए उनको तैयार होना पड़ता है, उसके लिए उनको स्ट्रेटजिकली सोचना पड़ता है कैसे आगे बढ़ें, और वो अपना रास्ता बनाते हैं। हमारे देश में भी अब वो शुरू हो गया है, लेकिन वो कुछ 2-4-5% लोग ही ऐसा करते हैं। लेकिन देश में फ़ायदा क्या है कि 5% बहुत बड़ा होता है,
100 करोड़ का 5% 5 करोड़ होता है, उसमें से अगर हमारे छात्र हर साल 2-3 करोड़ आते हैं तो उसका जो 5% है 2 करोड़ का 1% 2 लाख हो गया, 5% 10 लाख हो गया। तो हमारे पास 10-15-20 लाख जो छात्र चाहते हैं बनाना अपना भविष्य, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, सवाल यही सोचने का है। भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं है। अगर सोचें तो हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर ऐसा नहीं है कि बाकी मुश्किल से 15-20 ऐसे संस्थान हैं जिनका स्तर ऐसा है कि वो ग्रेजुएट स्टूडेंट बना सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते। इसमें जो नेहरू के IITs हैं, नेहरू के IIMs हैं, और उसके अलावा नेहरू का नेहरू विश्वविद्यालय है, या IISc जो टाटा का है, ऐसे जो, या ब्रिट्स पिलानी हुआ, ऐसे जो 15-20-25 जो संस्थान हैं उनको छोड़ दीजिए तो कहीं भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलती जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा सके। उसके अलावा कुछ लेस टैलेंटेड लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, कितना भी बेसिक स्कूल हो वहाँ 1-2 लोग 100 में ऐसे होंगे जो होनहार होंगे और निकल सकते हैं। तो सब कुछ हमारा जो है 2-3-4-5% पे टिका हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था भी, हमारे छात्र भी, हमारे प्रोफेशनल्स भी, सभी कुछ उसको अच्छा कर सकते हैं। उसकी नींव अलग होगी, वो अलग चर्चा का विषय है, वो बहुत लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जो प्रहलाद जोशी ने कहा उसे थोड़ा सा लगा कि एक थोड़ी सी शर्म सी आई, हमारे एक मंत्री ने ऐसा कहा, उन्होंने सोचा नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। बात शुरू हुई थी कि हम यूक्रेन में जो हमारे भारतीय जो छात्र फंस गए हैं उन्हें निकाले कैसे। वो निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके थे, जैसे कि हमेशा भारत करता रहा है, और ये 10-20 जब भी ऐसा मौका पड़ा लोगों ने, सरकार ने किया। उसके लिए उन्होंने कोई नगाड़ा बजाया नहीं, कोई ढोल नहीं पीटा इस बात का, हमने ऐसा कर दिया। कई मंत्री जाके अपना वो उचक उचक के अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। अभी आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर रोमानिया में, रोमानिया के एक जो उनके शरणार्थी शिविर में जो बच्चों को रखा गया था, वहाँ का जो लोकल मैनेजर था उसने डांटा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसने साफ साफ कहा हम ये कर रहे हैं, हम शरण दे रहे हैं, हम दिला रहे हैं, तुम यहाँ सिर्फ अपना वो श्रेय लेने के लिए आए हो। तो उसको डांटा भी। ज्योतिरादित्य जाहिर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, तो उनमें इतनी तो क्षमता है कि कोई उनसे इस तरह से बात करे तो उसको संभाल लेंगे। उन्होंने संभाल तो लिया, लेकिन आप सोचिए कि आक्रोश कैसा था, वो मत भूलिए। तो ये आक्रोश ये कहाँ से आ रहा है? भारत सरकार इसको अगर पहले सोचता ठीक से कि ऐसा हो सकता है जैसे पहले हुआ करता था, तो ये कायदे से चीज़ें निकल जाती बिना सोचे हुए कि इसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाना है कि संध्या का चेहरा दिखाना है, किसी का चेहरा दिखाना, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये ऐसे काम हो जाने चाहिए अपने आप ही। और एक बार आके प्रधानमंत्री ने श्रेय ले लिया, हमने ये काम कर दिया है, सब लोग खुश होते, अच्छा रहता। ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि हम किसी भी बारे में, किसी बात के बारे में सामरिक ढंग से नहीं सोचते। हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं हैं, और हम जब तक कि हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आती हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, जब तक बहुत हल्ला ना हो जाए सोचते नहीं। तो ये एक हमारी जो है वो एक व्यवस्थागत परेशानी है, हमारे सोचने की ढंग में कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ है कि कुछ भी हो जाए हम भूत से, पास्ट से हम सबक सीखते नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो ये कहना है कि ये लोग जो 90% छात्र ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो उतना ही सच है जितना कि ये कहना कि भारत के जितने राजनीतिक हैं वो किसी भी और काम करने के लिए क्वालिफाइड हैं। यानी कि उनको जो काम कर रहे हैं नेतागिरी के अलावा, जो धंधा करते होंगे 2-4 लोग व्यापार ऊपर करते होंगे छोड़ दीजिए, बाकी में उनको आप कोई नौकरी दे पाओगे? उनके पास कोई ऐसी डिग्री है, कोई ऐसी कुशलता है कि उनको आप कोई भी काम दे सको? नहीं कर सकते। वो दादागिरी के काम उनको दे सकते हैं, चलिए ठीक है, उसके अलावा आप क्या दोगे उनको? तो वो जो एक परिपक्वता है कि ऐसे माहौल में समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में सीटें कम हैं, भारत में शिक्षा क्वालिटी बहुत ख़राब है, आमतौर पे एवरेज देखें तो जो अच्छे संस्थान हैं कुछ गिने चुने हैं, और जाहिर वहाँ के लिए ज़्यादा होड़ लगी रही होगी, वहाँ जाने के लिए जो सबसे ऊँचे नंबर के लोग पहुँचेंगे। इसलिए कि नंबर कम आए उसका मतलब ये नहीं हुआ तो वो अयोग्य हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको थोड़ा और ट्रेनिंग चाहिए। उनकी जो फाउंडेशन थी, उनकी जो नींव थी, उतनी बढ़िया नहीं थी कि वो
वो नंबर ला सकते, या हो सकता है उनमें इस विषय के लिए उतना टैलेंट नहीं था, वजह बहुत हो सकती हैं। उसे लेकर के हमें छात्रों को नीचा दिखाना है या हमें ये कोशिश करनी है कि कैसे ये लोग देश का भविष्य बनाएं। अगर देश का भविष्य बनाना हमारा लक्ष्य है तो हम कोशिश करेंगे कैसे इन सबको वो बुनियादी शिक्षा हम दें जिसके आधार पर खड़े होकर दुनिया के साथ बात कर सकें। वो हमने नहीं किया अभी तक 75 साल में। हमारी बुनियादी शिक्षा जो है इतनी गई गुजरी है कि आप जो 5वीं साल का बच्चा है उसकी समझ 1वीं-2वीं साल के बच्चे की तरह की होती है। जो हाई स्कूल करता है वो 5वीं-6वीं के काम नहीं कर सकता कायदे से पूछे तो। अभी आपने देखा 2 साल की कोरोना के बाद अध्यापकों ने कहा कि ये 2 साल गैप के बाद जब बच्चे स्कूल में आए तो हमें उनको रिफ्रेशर कोर्स देना पड़ा सिखाने के लिए जो 2 साल पहले सीखा था, यानी कि 2 साल तो ख़राब हो गए। उसकी वजह क्या है? हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है जो हमें जो हम सीखते हैं उससे जोड़ सके। अगर हमारी शिक्षा ऐसी होती कि जो भी हम पढ़ते हैं वो आत्मसात करते, वो हमारा हिस्सा, समझ का हिस्सा बन जाती, तो हमें रिफ्रेशर में कोई टाइम नहीं लगता है। चूँकि हमारी शिक्षा रोट शिक्षा है, अगर हमें याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वो अगर सिर्फ याद करने के घोटने वाली जो शिक्षा है उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते। आप ये भी देखेंगे कि कई बार जब ज़्यादातर जो हमारे कोचिंग का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, कोचिंग ट्यूटरिंग, कोचिंग और ट्यूटरिंग शिक्षा नहीं होती। कोचिंग हमें तैयार करती है टिक मार्क करने के लिए, किस तरह से इम्तिहान पास करने के लिए, उससे समझ नहीं बनती, लोग ये नहीं समझ पाते। वो समझ हमें एक अध्ययन करना चाहिए इस बात का कि जो लोग कोचिंग से अच्छे संस्थाओं में जाते हैं उनका क्या आश्रय होता है, क्या वो उसी तरह पढ़ते हैं जैसे कि वो लोग जो कि प्राकृतिक ढंग से इतने कुशल हैं कि वो उन संस्थाओं में जा सकते। मुझे याद है मैंने भी जब GRE या GMAT दिया तो मैंने ये कहा था कि मैं इसके लिए कोई किताब पढ़ के नहीं जाऊँगा, वो मेरा अपना फैसला था। लोग कहते कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन बिना किताब पढ़े जब मैंने नंबर देखा तो वो 99% में फिर भी चला आया। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, जब मैंने सोचा बाहर जाने के लिए, जब मैंने GRE GMAT की बात की बिना कॉलेज में, क्योंकि एक हमें एक लालसा थी कि हम किसी से पीछे न रहें किसी भी चीज़ में। कोशिश करते थे कि हम अगर ये जान सकते हैं तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको जानने का, सोचा करते थे। तो थोड़ी बहुत जो शिक्षा हमने पाई उसी सरकारी स्कूल से, उसी मिशनरी स्कूल से, उसी लोकल कॉलेज से, और अंत में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो एक मौका मिला सोचने का, मुझे लगता है तो JNU में जो मौका मिला सोचने का वो हमारे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्योंकि शिक्षा सोचने के लिए होती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो माहौल बनाया वाइस चांसलर पार्थसारथी ने, और मेरे ज़माने में जो KR नारायणन थे जो राष्ट्रपति बन गए बाद में, वो जो इन लोगों ने जो एक माहौल बनाया उसमें सबको सोचने के लिए, विचारने के लिए, बहस करने के लिए एक पूरा माहौल ऐसा बना जो कि भारत से अलग हो गया, और उसको ख़राब करने के लिए आपने पूरी अपनी सारी ताकत लगा दी। एक ऐसा व्यक्ति वहाँ आपने बना दिया वाइस चांसलर पहली बार जिसको कि शिक्षा की समझ ही नहीं थी, और अब दूसरा भेजा जिसको एक पन्ना लिखना नहीं आता। अगर आप शिक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हो तो देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात करे कि वो लोग जो यूक्रेन में चले गए वो क्वालिफाइड नहीं थे भारत में, ये कितनी गलत बात है। तो इसके लिए हमारे पास कोई सेंसरिंग का तरीका नहीं है कि हम अपने इन मंत्रियों को सेंसर कर सकें, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ये कही हैं कि हमारे जो नेता हैं उनमें पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी है, कि वो डेटा समझ नहीं पाते, वो फैक्ट्स को ठीक से देख नहीं पाते, इसी की वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे देश की आगे बढ़ने की रफ्तार अगर 100 मील हो सकती थी प्रति घंटा तो उन लोगों ने 5 मील रखी हुई है, 6 मील करते खुश हो जाते हैं। तो हमें एक मौका मिला है सोचने का कि हमारे छात्र बाहर क्यों जाते हैं। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग प्राइवेट लोग जो शिक्षा संस्थान चलाते हैं वो एक धंधा करते हैं। अमेरिका में शिक्षा संस्थान धंधा नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में जाइए वो अपने आप में ट्रस्ट है, उनको अपना पूरा भरपाई करनी पड़ती है, लेकिन सारे हर इंस्टीट्यूशन के पास एक एंडाउमेंट है। उनकी जो फीस है वो कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में नियम है कि कोई भी जो एडमिट होगा
वो इसलिए नहीं मना किया जाएगा शिक्षा उसको कि वो फीस नहीं दे सकता। शिकागो में ऐसा है, MIT में ऐसा है, वहाँ पे कैलटेक में ऐसा है। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपको पैसे के लिए आपकी शिक्षा नहीं रोकी जाएगी, वो उनको वो दे देंगे। अगर ऐसा 100% के साथ है तो 100% के लिए करेंगे। मैं आपको उनकी छोटी सी गणित बता दूँ। अगर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उनका एंडाउमेंट $40 बिलियन का है, उसका अगर सिर्फ 1% ब्याज आएगा तो भी 400 मिलियन होगा। उनका अपना जो खर्चा है साल भर का वो 450-600 मिलियन का है। उनका एंडाउमेंट बढ़ता जाता है। अगर वो चाहें तो सबको शिक्षा मुफ्त दे सकते हैं, लेकिन सबको शिक्षा मुफ्त देने के अलग नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उससे कोई शिक्षा का महत्व ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा का महत्व जो है उसके मूल्य के साथ लोग जोड़ते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, एक वो भी उसका एक आयाम है। तो उन्होंने कोशिश की कि वो आयाम हमेशा बना रहे और लोग समझें, लेकिन जिसको ज़रूरत होती है उसकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। तो भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि क्वालिटी पर ध्यान दें। वो हमने क्वालिटी को समझा ही नहीं है। लोग कहते हैं शिक्षा, हमने कहा लिटरेसी। इससे बड़ा क्या क्या हो सकता है, एक दुर्भाग्य कि लोग बात कर रहे हैं शिक्षा की और बात करते हैं लिटरेसी की। उन दोनों के पीछे फ़र्क जो है 50-60 साल का है। तो हमें इन बात पे फिर से सोचना चाहिए और बनाना चाहिए एक ऐसा रास्ता कि हम भविष्य को देख सकें और उस तरह चलें जैसे कि दुनिया के समझदार लोग चलते हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।